तो दोस्तों रेलवे के इतिहास में पिछले 150 सालों में जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी वो फाइनली काम हमारी इंजनलेस ट्रेन वंदे भारत ने कर दिखाया है। दरअसल भारत का सबसे स्टीपेस्ट रेलवे ट्रैक दैट मीन्स खंडाला इगतपुरी ये सेक्शन तो आपको पता ही होगा और कभी ना कभी तो आपने इस सेक्शन में ट्रैवल किया ही होगा। लेकिन अब यहाँ पर जब वंदे भारत ट्रेन को छोड़ा गया तो काफी आसानी से चढ़ भी गई घाट पे आसानी से और उतर भी गई घाट के आसानी से विदाउट एनी बैंक लोकोमोटिव नथिंग कुछ भी इसमें लगाना नहीं पड़ा। ये वीडियो आपने देखा ही होगा कि किस तरह से आप देख लो लगातार एक के पीछे एक लोकोमोटिव्स लगाए गए हैं सो दैट ये घाट को नेगोशिएट कर पाए। तो सोचिए अगर हम ऐसे वंदे भारत ट्रेन छोड़ दें यहाँ पर कितना टाइम बच जाएगा। नॉर्मली ये सब काम में जो अटैच किए जाते हैं बैंकर लोकोमोटिव आधा घंटा तो वेस्ट यहीं पे हो जाता है। प्लस इसके बाद जो एडिशनल रिसोर्सेस हमें पहले से तैयार रखने पड़ते हैं लोकोमोटिव्स और फिर उनका मेंटेनेंस और तमाम सारी ऐसी चीजें पर्सनल्स का होना अटैचमेंट प्रॉपर ढंग से की जाए सेफ्टी एवरीथिंग तमाम सारे ऐसे एस्पेक्ट्स रहते हैं। लेकिन वंदे भारत के केस में इसकी हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो घाट है कितना ज्यादा स्टीप है तो 1:37 इसका ग्रेडियंट रेशियो है। दैट मीन्स हर 37 मीटर अगर आप ट्रैवल करोगे दैट मीन्स 1 मीटर आप चढ़ते जा रहे हो। तो सोचो कितना ज्यादा ये घाट डेंजरस है। फिलहाल तो केवल एक ही ऐसी एग्जिस्टिंग ट्रेन थी जिसे हॉल्ट नहीं करना पड़ता था फॉर बैंकर लोकोमोटिव और वो थी CSMT राजधानी एक्सप्रेस। और ये इसलिए था बिकॉज ऑलरेडी इसके आगे और पीछे दोनों तरफ लोकोमोटिव लगाए जाते थे। पुल पुश मैकेनिज्म के चलते इसकी स्पीड भी काफी इंक्रीज हो गई थी। लेकिन इस मामले में तो वंदे भारत ने काफी लीड हासिल कर लिए। अभी एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि इसमें पार्किंग ब्रेक्स भी डाले गए हैं एज एन एडिशनल सेफ्टी फीचर। मान लीजिए अगर घाट पर ट्रेन चल रही है तो बैक रोल आउट ना हो उसे प्रिवेंट करने के लिए इस तरह के ब्रेक्स सुनिश्चित किए गए इसमें। सो फाइनली 150 साल बाद इतना बड़ा जो अचीवमेंट रेलवे ने कर दिखाया इसके लिए तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में जय हिंद लिखिएगा और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। See you soon in the next video. Till then, goodbye and take care.